ये मुसलमानों के पास कोई सलूशन भी है या ये पुरानी घिसी पिटी चीजें हैं जिसके जरिए ये बात करने की कोशिश करते हैं, ना कोई सलूशन निकलता है, ना वो जो अमेरिका में मुसलमान बैठे हैं उनके पास कोई सलूशन है, ना अरबों के पास सलूशन है। ये क्यों ना बिठा के इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ इस मसले को हल कर ले, बजाय इसके कि वो नहत्ते इसराइलियों को रोज मरवाते हैं बेचारों को, और वो डिफेंस लेस है, उनके पास असला नहीं है, पैसा नहीं है, वेपन नहीं है, और हम जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे वो बातें तो करते रहते हैं, लेकिन क्या फायदा? वो लोग तो वहां शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो आप ये बताएं, मुसलमान अमेरिका में बाइडेन का इवेंट छोड़ के क्या कर सकते हैं या क्या हो जाएगा इससे? तो ये इस पे, और आज मैं मजे किया, इसका कंक्लूड भी करूंगा मैं। चीमा साहब, मैं आज आपसे वादा करता हूं, कुछ भी नहीं होगा फलस्तीन का। इजराइल मार मार के जब थक जाएगा तो वो छोड़ देगा। अब अमेरिका की बात बताता हूं, ब्लैक लाइव मैटर की गवर्नमेंट है यहां पे, और उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं है, कोई शर्मो लिहाज नहीं। स्टेट डिपार्टमेंट का बयानिया ये है कि इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। और यार, पत्थरों से सेल्फ डिफेंस, एक पार्टी के पास दुनिया का पॉसिबल F-16 हर चीज है उनके पास, और दूसरी तरफ बटे हैं उनके पास पत्थर है। पत्थरों से सेल्फ डिफेंस को कह रहे हो कि इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस? शर्म भी नहीं आती इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले। 200 बंदा मर चुका है वर्सेस 10% इजराइली। इजराइल 7 बिलियन डॉलर का आर्मामेंट्स बना के पिछले साल उन्होंने इंपोर्ट किया, 7 बिलियन डॉलर। छोटा सा मुल्क है बिल्कुल, आप नक्शे में ढूंढे तो ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, देखने की कोशिश करनी पड़ती है। 7 बिलियन डॉलर का असला बना के बेचा उन्होंने। 83% ड्रोन्स जो दुनिया में इस वक्त मिलिट्री ड्रोन्स, वो इजराइल के बने। आप जुकरबर्ग से पूछे इजराइल के लिए उसकी क्या फीलिंग्स। आप स्टारबक्स आपका ब्रांड है, यहां पर पूरे सारी दुनिया बड़े शौक से पीती है, पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने $1 के कप को $6 का कर दिया, सिर्फ फैशन बना दिया, वो यहूदियों की। अब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के बारे में सोच रहा है। हम क्या है? सोचना ये है हम क्या है। मैं उस 1 मिलियन लोगों ने जिन्होंने 2 बिलियन मुसलमानों को यरगमाल बना रखा है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। मैं ब्लेम करूंगा अपने शहजादे जिनकी 50-50 बच्चे हैं, जिनके महल, जिनके स्टोरियां, जिनके दुबई में बिल्डिंगें अरबों से ऊंची हैं, मैं उनको ब्लेम करूंगा। आप पाकिस्तानी इस वक्त सारे बड़े गर्म हो रहे हैं, फेक न्यूज फेंक रहे हैं कि हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं, और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज लेने यार, खुदा का नाम लो। तुसी आप सुबह उठते हो दिहाड़ी वार हो, तुम्हारे लीडर भी दिहाड़ी वार है, खाओ पियो मौज करो, ये एवं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अपना गिरेबान पहले झांको कि खुद क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान किधर जा रहा है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, बर्बीज, खुदा की कसम है, मैं यहां से, बल्कि चीमा साहब मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई फ्रेंच हूं, मेरे मैंने भी क्या किया ना, कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ कर सका हूं ना इस्लाम के लिए कुछ कर सका हूं, लेकिन रोता चीखता जरूर रहा हूं बर्बीज मुसलमानों के लिए। जब उनको किश्तियों में डाल के तो धकेल दिया जाता था, तो वो बेचारे किश्तियां लेके कभी थाईलैंड कभी किन मुल्कों में जाते थे, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। कोई पाकिस्तानी अहम भाई का लाल उठा हो, बलोचिस्तान सारे का सारा खाली पड़ा है, वो कहते हैं यार यहाँ पे कुछ, मेरा मकसद 10 एकड़ जमीन ले लो, 20 एकड़, पूरा मुल्क तो बैरियर टाउन बना दिया आपने, उनको ही एक्सेप्ट कर लेते। मुसलमान सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वहां से लूटा गया, उनकी बच्चियां जो है वो दुनिया के सब ब्राथल्स में पहुंच गई हैं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम कहां गया, उस वक्त इस्लाम किधर गया, आज सारे एंकर बैठे, मैं आज भी देख रहा था बैठ, आज एक एंकर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, कहते हैं इसराइल दुनिया में डरता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से डरता है। ओ मैं क्या, खुदा दा नाल हो यार, खुदा का नाम, दुनिया को क्यों मिसलीड कर रहे हो और पाकिस्तानियों को क्यों खराब कर रहे हो? मेरी तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होगी मौलाना फजलुर रहमान से, और खुदा का नाम है मदरसों को बच्चों को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे तो भाग भाग के आते हो, वो बयान ही दे दो इसराइल के खिलाफ, वो भी जरूरत नहीं है।